फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस हमारा सौंफ का शरबत, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में हेल्दी होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आज हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ये देखिए, मैंने बिल्कुल ही सिंपल सौंफ ली है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी कलर नहीं है। तो इसको हम पहले हमारी मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, इसको हम महीन पीसना है क्योंकि इसका पाउडर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो हम जब चाहें, जैसा चाहें, जैसे गर्मी लगती है हमें और ठंडा पीने का मन होता है, तो आप इसको बना सकते हैं। और एक बात और इसकी खासियत बताना चाहूँगी कि इसका प्रयोग आप जैसे एज अ गोलगप्पा पानी में भी कर सकते हैं। आप पानी पूरी खाते हैं ना, अगर आपके पास पानी पूरी है लेकिन पानी नहीं है, तो आप इस तरह से बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी पूरी में भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से महीन पीस लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए बिल्कुल बारीक इसको हमने पीसना है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी तो पानी ऐसे पीने में तो बेनिफिशियल है भी, और अगर आपका चटपटा जैसे होता है ना, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। तो आप जैसे पानी पूरी में भी डालकर इसको पी सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसको अब महीन पीसने के बाद अब हम करेंगे क्या करेंगे, अब हम लेंगे लेमन मींस टू नींबू। मैं आज 5 गिलास बना रही हूँ जो है शरबत के, तो मैंने 3 नींबू लिए हैं। आप खट्टा कम पसंद करते हो तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें 3 नींबू डाल रही हूँ, एक बड़ा है, बाकी 2 छोटे हैं। और ये देखिए, 1 गिलास बनाने के लिए हमें एक, जैसे ये देखिए, मैंने ये स्पून का इस्तेमाल किया है, 1/2 टीस्पून, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2.50 ml एंड 1/2 टीस्पून, ये 1 गिलास में मैंने डाल दिया पाउडर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पाउडर गिलास में डाल दिया। जितने गिलास बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग उसी गिलास में ये 1-1 स्पून डालते जाएँ। तो अब मैं डाल रही हूँ, हमने ये देखिए क्या लिया है, हमारा जो जग लिया है ना, उसमें मैंने जो ये 5 जैसे हमने बनाने थे, तो मैंने 5 चम्मच ही चीनी के डाल दिए हैं, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी अभी हमने ज़्यादा नहीं डालना है। अब पानी को थोड़ी देर में ढक कर रख दूँगी ताकि अपने आप ही घुल जाएगा। लेकिन इसके भी 3 तरीके होते हैं। अगर आप पानी को जैसे गर्म करके कहीं होते हैं ना, चाशनी बना के रख लेते हैं, उसको अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ, मैं इसको ऐसे भी रख देती हूँ। या फिर इसको हम क्या करते हैं, 3 तरीके होते हैं घोलने के बिना गैस जगाए कि, हम देखिए ये चीनी है, इसको हम जैसे इस तरह से हिलाकर भी कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा इसमें अब नमक डाल रही हूँ, ये देखिए चीनी घुल चुकी है अपने आप ही हमारी, तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक आपने जैसे कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, टेस्ट करने के बाद आप बढ़ा दीजिए, लेकिन एकदम से ज़्यादा मत डालें, क्योंकि ज़्यादा डालने से कहीं टेस्ट बिगड़ जाता है। तो मैंने जैसे हमारी रखी हुई है वैसे ही हम कर रही हूँ। ये देखिए, मैं चीनी भी अगर थोड़ी सी बच जाती है तो उसको चम्मच की सहायता से या किसी भी तरह से आप घोल सकते हैं, लेकिन मैं तो जैसे ऐसे रख देती हूँ, घंटा पड़ा रहता है, अपने आप ही घुल जाती है चीनी, मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी इसी तरह से घोल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा अब जैसे अपने आप ही घुल जाएगा, लेकिन आपको जल्दी है तो हिलाते हुए चम्मच स्पून की सहायता से या किसी भी सहायता से आप इसको ईजीली घोल तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इसका हमने इस तरह से घोल तैयार करना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से अब करके रख दिया था आपके सामने चीनी और नमक डालकर, तो ये देखिए बिल्कुल ही अपने आप घुल चुकी है। मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, तो ये हमेशा अपने आप ही घुल जाती है। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी हमने 5 गिलास बनाने हैं, तो टोटल हमारा जो है 5 गिलास ही पानी हम इसमें डाल देंगे। मीन्स जो से हमने थोड़ा सा 1/2 गिलास पहले डाला था, अब बाकी के बच्चे 4.5 इसमें डाल देंगे। और नींबू को इस तरह से कट कर लेना है। नींबू को कट करने के बाद इसको हम इस तरह से इसमें स्पिन करेंगे, जैसे ये देखिए पानी इसका, नींबू का रस जो हमारे इजीली हमारे जग में आ जाए। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से जग में सारे नींबू हैं जो है टर्न बाय टर्न इस तरह इसमें डाल देने हैं, इसका रस जो है इसमें डाल देना है, नींबू नहीं डालना है, रस ही डालना है। तो ये देखिए, हम इस तरह से अपने जो है नींबू का रस अपने इस जग में डालते जाएंगे, जिस तरह से ये देखिए हमारा नींबू का रस अब हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और डाल लेंगे, क्योंकि पानी और डाला है, तो इसमें मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं 1/2 स्पून इसमें और डाल रही हूँ नमक का। तो ये देखिए, मैं इसमें अब थोड़ा सा जैसे इसमें 1/4 स्पून मैंने जो है, जिसको चौथा हिस्सा कहते हैं, कि काले नमक का डाला है। अब इसमें ये देखिए, अब इसको हम अच्छी तरह से हिलाने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमारा जो है
पाउडर वाला गिलास था ना, जिसमें हमने हाफ टी स्पून हमारा जो है, हमारा जो सौंफ का पाउडर था वो डाला हुआ है। अब उसमें हम ये जो पानी तैयार किया है लेमन वाला, वो इसमें हम डाल देंगे। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। पहले मैं इसको प्लास्टिक में निकाल रही हूँ ताकि इसको हम अच्छी तरह से हिला सकें। ये देखिए, फिर हम इसको सर्विंग ग्लास में डालेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैंने हिला दिया है। अब मैंने ये देखिए इस गिलास में सर्व करना है, तो हमें इसमें कांच के गिलास में, इसको सिर्फ कांच के गिलास या प्लास्टिक में ही यूज़ करें, इसको किसी भी और जैसे स्टील या किसी और मेटल में यूज़ ना करें। तो ये देखिए मेरा जो है शरबत बनकर तैयार है। इसमें अब आइस क्यूब्स डालेंगे। ये देखिए आइस क्यूब डाल दें, ठंडा ज़्यादा पसंद करते हैं और आइस क्यूब डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा शरबत कैसा बना है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये आपको एज ए पानी पूरी का पानी भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा, शादियों में आपने इसको ज़रूर पिया होगा। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा यम्मी है, इसको आप गर्मी में जब भी बाहर से आएँ तो झटपट से बनाएँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।